चैन जय भारत लाइव भारत स्पेशल। यह है स्मार्ट सिटी के ऑटो वर्कशॉप की लाइव तस्वीर। 2017 से अब तक करीब 3 करोड़ का बजट केवल कागजों में। ऑटो वर्कशॉप में करीब 130 मुलाजमों को बैठने की जगह नहीं। टपक रहे हैं गैराज, ऑटो वर्कशॉप की इमारत में मौत के साए में काम कर रहे हैं मुलाजिम। निगम के यूथ एम्प्लॉय फाउंडेशन ऑटो वर्कशॉप के प्रधान व चेयरमैन ने नगर निगम को बरसात में जमकर धोया। मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने लाइव भारत पर रखा अपना पक्ष, कहा हर जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य। आप देख रहे हैं लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं नगर निगम की ऑटो वर्कशॉप, हम उसकी हालत भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर ऑटो वर्कशॉप को लेकर नगर निगम के यहां के जो मेयर हैं, यहां के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कितनी मशीनरी खरीदी और इनके रख रखाव को हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और हम बताएंगे कि आखिर रख रखाव को क्या है। तो हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं, तो सर आशु नाहर जी आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से लाइव चल रहा है, सभी को पता भी लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जो ऑटो वर्कशॉप है ये सन पैंट से बनी हुई है। सन पैंट से ऑटो वर्कशॉप का निर्माण हुआ था, शहर की देखभाल को लेकर, कूड़े की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। सबसे काम चले आ रहा है गुरुनगरी की सेवा के लिए, मुलाजमों को जिम्मेवारी दी गई है और मुलाजम तनख्वाह भी लेते हैं इस चीज़ की। इसलिए आज ऑटो वर्कशॉप में को बुलाकर आपको इनकी बातों से जानू कराने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर मसला बन चुका था। इसलिए आज हमने मीडिया को बुलाकर आज ये सारा वातावरण दिखाया भी, हम शहर को साफ रखते हैं, देश को साफ रखते हैं, मगर आज हमारा हाल क्या है ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं भी, हम शहर का ख्याल रख रहे हैं, हमारा ख्याल कौन रखेगा। मेरे सामने तो आज तक कभी शुद्ध बुद्ध ली नहीं मुलाजमों की, क्या किया मेरे सामने मुलाजमों के लिए। करमजीत सिंह रिंटू ये एक स्वच्छ पावर है शहर की, इन्होंने मुलाजमों का ख्याल रखना जरूरी है, शहर का ख्याल रखना जरूरी है, शहरवासियों का ख्याल रखना जरूरी है। मेयर साहब को क्या किया मेयर साहब ने, मेयर साहब ने जब भी देखो आप शहर को लेकर मुलाजमों को लेकर इन्होंने जो भी काम किया वो ठंडे बिस्तरे में डाल दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई मुलाजमों की। सबसे पहले ले लेते हैं गाड़ियों की बात। आज तक देखिए 2017 के मेयर बने हुए करमजीत सिंह रिंटू जी, आज 3 साल हो गए मेयर बने हुए इनको, इन्होंने कौन सी मशीनरी खरीद कर दे दी मुलाजमों को जी, क्या खरीद कर दिया मुलाजमों को इन्होंने। सबसे बड़ी बात, मैं 4 मेयर मैंने अपनी होश में देखे हैं जो काबलता से मेयर बने थे, काबलता से शहर को उन्होंने साफ रखा, शहर की शुद्ध बुद्ध ली, शहर को हर चीज़ के लिए जिस चीज़ की मेंटेनेंस की ज़रूरत थी वो सब कुछ किया मेयर ने। 4 मेयर के नाम है मेरे पास जिन्होंने शहर के लिए, शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए काम किया। सबसे पहले मैं सोनी साहब का नाम लेना चाहता हूँ। सोनी साहब ने एक ऐसा काम किया मुलाजमों के लिए जो कभी बुलाया नहीं जा सकता। जब आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी कॉरपोरेशन अमृतसर नगर निगम, तब सोनी साहब मेयर थे, पैसा नहीं था, मुलाजमों का वाल्मीकि तो हैर आ गया था। सोनी साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से 4 करोड़ रुपया तनख्वाह दी मुलाजमों को, जो आज तक मुलाजम नहीं कभी भूल पाएंगे। ये होता है काम, ये किया था सोनी साहब ने मेयर के पक्ष में रहकर। उसके बाद सुभाष जी आए मेयर, उसके बाद हमारे सुनील दत्ती जी मेयर आए। जब सुनील दत्ती जी मेयर आए उन्होंने क्या किया निगम को और शहरवासियों को लेकर, सुनील दत्ती साहब ने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीद कर निगम प्रशासन को दी चलाने के लिए, शहर का ख्याल रखने के लिए, लोगों का ख्याल रखने के लिए। ये उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा है सुनील दत्ती जी की, जब वो मेयर थे उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की मशीनरी कॉरपोरेशन अमृतसर को, नगर निगम को दी थी भी शहर का ख्याल रखे, शहर का कूड़ा उठाए। मुलाजिम तो काम करने के लिए तैयार कर भी रहे हैं, ये बताइए आप, ये जितनी मशीनरी आपने देखी है वे काम करने की स्थिति में है, ये तो मुलाजिम कर रहे हैं काम अपने की तरफ से भी, क्यों कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेकर शहर में कोई गंद ना बढ़ जाए, शहर में कोई विवाद ना आ जाए मुलाजिम सरगर्म है लेकर। उसके बाद मेयर आए हमारे श्वेत मलिक जी बीजेपी के। जब मेयर श्वेत मलिक जी आए उन्होंने क्या किया, 1350 आदमी उन्होंने मोहल्ला सुधार कमेटी का पक्का किया,
450 मुलाजम उन्होंने डीसी ग्रेड पर जो काम कर रहा था, हमारे सफाई सेवक, ड्राइवर, सीवरमैन, उन्होंने पक्के किए श्वेत मलिक जी ने। ये भी बहुत बड़ा प्रशंसीय उनका काम किया है, प्रशंसा कर रहे हैं आज श्वेत मलिक जी की हम। उनके बाद हमारी निगम में मेयर आए श्री बख्शीराम अरोड़ा जी। जब बख्शीराम अरोड़ा जी मेयर आए तो उन्होंने क्या किया शहर की हित के लिए, मुलाजमों की हित के लिए, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। मेयर बख्शीराम अरोड़ा जी ने FNCC की मीटिंग बैठाकर मेयर हाउस में स्वच्छ भारत अभियान के तहत, 4.5 करोड़ रुपए की मशीनरी मंगाकर मुलाजमों को दी उन्होंने। 4.5 करोड़ रुपए की मशीनरी मुलाजमों को दी शहर की हित के लिए, शहर को चलाने के लिए दी उन्होंने। ये भी बहुत बड़ा प्रशंसनीय काम किया उन्होंने, उनकी भी प्रशंसा करते हैं हम। भी बहुत अच्छा काम किया बख्शीराम अरोड़ा जी ने। 2017 में मेयर आ रहे हैं करमजीत सिंह रिंटू जी, इन्होंने क्या किया? अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो मेरे को रिटर्न में दे, शहरवासियों को दिखाएं। शहर का तो पैसा है ये, जितना भी पैसा निगम आज खर्च रही है वो लोगों का पैसा है, लोगों के रेवेन्यू के रूप में लिया हुआ है, जनता का पैसा, जनता से सवाल पूछ रही है। तो यहाँ के जो मेयर हैं करमजीत सिंह रिंटू, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि आप उनकी प्रशंसा करें? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। तो ये स्वच्छ नगरी है, स्मार्ट नगरी है, देश की स्मार्ट नगरी में से एक है, ये स्मार्ट नगरी का ये सीन है। तो फिर सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ आपको, 2017 का हमारा जो बजट था ऑटो वर्कशॉप का, रिपेयरिंग का सिस्टम को लेकर हमारा बजट पास हुआ था 80 लाख रुपया 2017 में। जब 2018 आ गया, 19, तब हमारा बजट था ऑटो वर्कशॉप का रिपेयरिंग को लेकर 1 करोड़ रुपया। फिर 2019 आ गया, 19 में था 1 करोड़ 10 लाख रुपया। अब 2020 आ गया है, अब 2020 का नया बजट जो आज की भी हाउस में कागज पड़े हुए हैं, मेयर साहब के पास हैं, कमिश्नर के पास हैं, झंडे में फैल लगी हुई है भी, हमारी ऑटो वर्कशॉप की रिपेयरिंग का खर्चा कितना हुआ है इस साल में पास, तो वो है 1 करोड़ 15 लाख रुपया। तो कहाँ है पैसे, कहाँ गए, कहाँ गए, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात है, करोड़ों रुपये बजट पास होता है, लाखों रुपये बजट पास होते हैं, लेकिन बजट कहाँ गया? ये तस्वीर है, हम आपको फिर दिखाएंगे, ये तस्वीर है। और आज बरसात हो रही है, ये तो ये शहर के, मैं समझता हूँ कि देश के सुंदर नगरी में, स्मार्ट नगरी में शामिल अमृतसर की ये तस्वीर है। और ये नगर निगम की ये ऑटो गैराज है, ऑटो रिपेयर यहाँ पर होते हैं। सबसे बड़ी बात, चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, तो चेयरमैन साहब से हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि चेयरमैन साहब आखिर नगर निगम आपके डिपार्टमेंट के सुध क्यों नहीं ले रहा? चलो मान जो कमिश्नर साहब जिहड़े साडे ने, उन्होंने गल की ही कि कैमरे लगन दे, जिन्होंने कैमरे दे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर मैं चाहुंदा कैमरे लगन की गल तुसीं छड्डो, जिहड़े तुसीं कैमरे लवाए भी है ठीक है ही ना, लवाओ पहलो साडियां ट्रालियां दी माली हालत, गड्डियां दी वेखो माली हालत किड्डी बिगड़ी है। आही अज डब्बियां दे वास्ते कहने साडियां गड्डियां डब्बे रिपेयर होण वाले आ, ये किए जाण साडी वेखो की हाल है, पानी किहड़े अही समय च गुजरने आ। अही इहो बार बार अपील करते हैं सानू गड्डियां धोण वास्ते सर्विस स्टेशन दिता जाए, पेंचर लाउण वास्ते गड्डियां दा साडा समझदार किया जाए, स्टोर साडा भरिया जाए, बैन नू साडी जगह नहीं हैगी। अज बारिश होण दी वेखो किड्डा साडा बार आउंदा, मैं ते चैनल नू अपील करदा वेखो जी, अज साडी हालत वेखो कितना खुलता, वेखो किन्ना पानी खुलता, बैन नू साडे कोल जगह नहीं हैगी। मैं कहना वा प्रशासन, मेयर कमिश्नर नू साडे वल ध्यान किया जाए ता कि साडा भी कुछ सुधार करो। आ वेखो तो किन्ना कच्चा पानी, गोड़े गोड़े बहन नू साडे कोल जगह नहीं हैगी, की करिए। अही बेनती करते हैं प्रशासन नू भी साडी जिहड़ी वर्कशॉप वास्ते गौर की जाए ता कि अही इत्थे बहन खलाउण दा भी साडा कोई साधन दित्ता जाए। तो कुल मिला के हम आपको बता दें, लाइव भारत ने यहाँ पे बात की और इनकी प्रॉब्लम जो है, यहाँ की जो परेशानी बताई, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर डीजल और पेट्रोल का यहाँ में भरा ऊपर शेड नहीं है, और जिस तरह से बिल्डिंग के ऊपर बरगद का ये पेड़ जम गया और जन्म ले लिया है, और आगे जो तारे हैं वो नंगी तारे मौत के मुँह में यहाँ पर काम कर रहे हैं, मशीनरी सब पुरानी है। और जैसा कि इनका कहना कि 2017 से अभी तक एक नया पैसा भी नई मशीनरी के लिए खर्च नहीं किया। यहाँ के जो सफाई सेवकों के प्रधान हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 4 मेयर के उन्होंने कार्यकाल गिनाए और उन्होंने बताया कि किस तरह मेयर ने यहाँ पे सुधार किए थे।
दोस्तों ये थी लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, और हमने दिखाया शहर के सबसे सुंदर शहरों में शामिल गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब का नगर निगम, नगर निगम जिसका ये पूरे शहर को स्वच्छ रखने, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का तहत जो स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाते हैं, लेकिन उनके नाक के तले यानी कि नगर निगम की ये ऑटो वर्कशॉप का हाल है। जब ऑटो वर्कशॉप का ये हाल है तो शहर का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थी लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की, आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद जय भारत। ठीक है, अच्छा जी। तो उन्होंने आरोप है कि जी पिछले चार मेयर ने बड़ा काम किया, पैसे भी दिते, मशीनरियां भी खरीदिया, पर तुसी कोई पैसा एक पैसा भी नहीं खर्च किया। करीब 3 करोड़ रुपया 3 सालों से कोई कागजा चाह कोई पैसा खर्च नहीं होया। वर्कशॉप की हालत बहुत खराब है, बिल्डिंग सारी चौंधी पई है, कितने बहन जगह नहीं, आटो गैराज से कोई गड्डिया रिपेयर वास्ते नहीं है, मकैनिक नहीं है, बड़ा बुरा हाल है जी। थोड़ा की कहना मेरे साहब? देखो जी गल जो भी सू मौके पर जी कोई यूनियन की या उतो कोई मुलाजमान की डिमांड आई है, वह पूरी करते रहे हैं। जितों तक पहले चार टन्योर की गल आ, उस तो बाद हम जी जरा कह लो कि 90% शेयर है वह असी कंपनी को दिता वा, सारी कंपनी कूड़ा चुक रही है सारी कंपनी वेख रही है वह काम जी, इस करके वर्कशॉप का काम 90% वैसे घट गया। जिहड़ा इत्थे हुण कोई 10% तुसीं कह लो कि जिहड़ियां साडियां 10 वार्ड ने वर्ल्ड सिटी दियां, सिर्फ उन्हां दी गारबेज कलैक्शन वास्ते जिहड़े साडे अपने व्हीकल यूज हो रहे हैं। ते मिसमैनेजमेंट की गल तो मैं मानता वा कि इत्थे मिसमैनेजमेंट है, जिहड़े भी इनचार्ज हैगे ने वर्कशॉप दे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए, उहदी अहीं इनकुआरी मार्क करांगे। ते जिहड़ी भी इत्थे चोरी चकारी आ, इत्थे जिहड़ियां भी डिस्क्रिपेंसीज हैगियां ने, नगर निगम की वर्कशॉप है ते वेख के कह के भी ना थोड़ा जिहा बुरा जिहा लगता कि अपने गुरु रामदास दी बसाई गड्डिया भी ठीक होंदियां हुण तुहाडियां गड्डियां या कमिश्नर दी गड्डियां बाकी गड्डिया भी ठीक होंदियां? नहीं बिलकुल नहीं, इह सारियां कंपनी चो हुंदियां ने जी जी। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਅਲ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ 3-4 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਚਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ, ਆਪਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।